हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल सोल, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी डेट में, कौन सी डेट, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, और कौन सा वो बदलाव और चेंज आने वाला है। तो अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है जिसके लिए आप इस रीडिंग पे आए हो, आपने क्लिक किया है। और दूसरी बात जो ये है कि आपकी राशि अगर मैच होती है तो ये 100% आपकी रीडिंग है। मैं आपको राशियां बताने लगती हूँ, राशियां बता देती हूँ, और क्या चेंजेस कब आपके लिए आ सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है? आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस हो सकती है। अगेन आपकी राशि हो सकती है सजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट है जमना, एक्वेरियस एंड लिब्रा यहाँ पे हो सकता है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो या आपकी सन साइन या फिर मून साइन हो सकती है, ठीक है? अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, ठीक है, ऑल साइन है यहाँ पे। टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब सजिटेरियस भी है। तो आपकी लाइफ में जो बदलाव या फिर आपकी लाइफ में जो चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप कोई ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, कोई ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप इनडिसीजन में हो। आप कुछ प्लान तो कर रहे हो, लेकिन स्पेशली अगर आप एरीज हो या फिर यू नो आपका सन मून साइन एरीज है, तो ये दिख रहा है कि आप प्लान बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कंफ्यूजन आपके अंदर बहुत ज्यादा है। आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं, किस ओर जाऊं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप एक कंफ्यूजिंग रास्ते पे खड़े होते हुए या फिर आप एक इनडिसीजन में रहते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपके पास चॉइस है। दोनों ही ऑप्शन आप देख रहे हो कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। यहाँ पे दो जॉब हो सकती है, जो दो सिचुएशन हो सकता है, दो इंसान हो सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हाँ, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन ज्यादा आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड है, तो आप किसी चीज के लिए सेकंड दूसरी बार ट्राई कर रहे हो। कहीं पे आपको पहली बार या तो धोखा मिला है, या तो कहीं पे पहली बार आपके साथ गलत हो गया है, या फिर पहली बार में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आपका जो काम है वैसा नहीं बना, किसी ने आपको झूठ बोल दिया, मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू झूठ बोला गया आपको, या फिर आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आप डर डर के दूसरी बार कुछ चीजें कोशिश करने की ठान आपने रखा है, ठीक है? आप कुछ चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए डर रहे हो। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आप डर रहे हो। लेकिन बहुत नीडेड है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट डालो, कुछ ना कुछ मेहनत करो। तो आप लाइफ में कुछ चीजों में सेकंड ट्राई देने की कोशिश कर रहे हो, या फिर दूसरी बार कुछ चीजें पाने की, हासिल करने की, या फिर मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। पहली बार में फेल्यूर हो गए हो, लेकिन लाइफ में एक्सपीरियंस लेके फेल्यूर हुए हो, तो कहीं ना कहीं दूसरी बार यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि कैसे सक्सेस मिल जाए। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, ठीक है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि सैटर्न की वजह से आपका डिले है, ठीक है? हमारे जो शनि देव है उनके वजह से चीजें डिले हो रही है, और 2024 में हर एक इंसान का हर एक काम डिले ही हुआ है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिला है। तो आई कैन सी सेवन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस के साथ आप करने की सोच रहे हो, आप कर भी रहे हो। कुछ चीजों में आपको लगता है कि समय जा रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि टाइम बस बर्बाद हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, या फिर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। यू नो एक मुझे आप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मुझे आपके अंदर दिख रही है। डिले की वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है कुछ चीजों के, कुछ कहीं पे जॉब के लिए, कहीं पे कॉल लेटर आने के लिए, किसी का मैसेज का, कोई काम का, किसी रिश्ते का, यू नो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ चीजों के लिए वेट कर रहे हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि समय से पहले नहीं मिलता है, तो
अगर आपको वेट नहीं करनी है तो आप उसको एज इट इज छोड़ दो, जब होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन वेट करके खुद के मेंटल पीस को खराब मत करो, खुद परेशान मत हो। अगर पॉजिटिवली वेट नहीं किया जा रहा है तो समय के अनुसार उसको छोड़ दो, जब आना होगा आ जाएगा। ऐसा आप वेट करो या फिर ऐसा सोचो, उससे क्या होगा, आप जो अशांत हो, आपके अंदर जो अशांति है, आप जो खुश नहीं हो पा रहे हो, वो आपको फील नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे बैठोगे, ठीक है। और किसी में मेहनत कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मुझे ये सडनली एक दुकान दिखा, केक का दुकान दिखा, बेकरी दिखा, या फिर कॉस्मेटिक का दुकान मुझे दिखा, तो हो सकता है कि आपका वो सारा भी काम हो। तो अगर सारी सडनली उन कामों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या फिर सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, तो या फिर कोई रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिले हो रहा है, तो एक बात होती है ना कि छोड़ दो उस चीज को, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो के साथ चलो। ये मेहनत का वक्त है, कहीं ना कहीं हर एक इंसान का तय होता है, उसको इतना ही मेहनत करना पड़ेगा इतना समय के लिए, फिर उसको मिलेगा। और जब आप मेहनत कर रहे होंगे उस समय में आप एक्सपीरियंस ले रहे होंगे जो आगे जाके कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। कोई इंसान ठुकरा रहा है या फिर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता है लाइफ में आप जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हो ना, मुश्किल से जो चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, वो फ्यूचर में जाके काम तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि भगवान आपकी मेहनत को कभी खाली नहीं जाने देते हैं, ठीक है। जो लोगों को बहुत कम में मिल गया है, या फिर जो लोग कुछ करते नहीं है उनको बहुत कुछ मिल जाता है, या फिर कुछ लोग बहुत पॉलिटिकल माइंडेड पर्सन होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत करते हैं और फिर उनको चीजें मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो लोग जो है आगे जाके उस तरीके से फंसते भी हैं। सस्ते में जिनको चीज मिलता है वो फंसते भी हैं जाके आगे, जिनको मेहनत से मिलती है या फिर वेट करके पेशेंसली प्लानिंग के साथ मिलता है, वो उतना ही ऊपर ऊपर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कॉम्पिटिशननेस है, उनके अंदर ऑलरेडी एक माइंडसेट है कि जो भी सिचुएशन आए मैं उसको फेस कर लूंगा या फिर फेस कर लूंगी, तो उन लोगों को कोई नहीं हरा सकता, और आप उन्हीं में से ही एक इंसान हो, ठीक है। आप आज स्ट्रगल देख रहे हो, आज आपके लिए चीजें मुश्किल हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको वो मुश्किलात फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कर लिया है। और जिन लोगों ने वो नहीं किया है, जो लोग अपने धुन में ही हैं, अपने में ही चीजों को वो कर रहे हैं, खुशी में मिल गई है उनको, अच्छे से मिल गई है, लोग उनको अच्छा समझते हैं, तो आगे जाके उनका जो असली चेहरा है वो निकल के आता ही है। या फिर जो मेहनत अभी आपने किया है, उनकी किस्मत का जो मेहनत है, जब आप एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, तब उनके किस्मत पे वो मेहनत होगा, ठीक है। तो मेहनत तो हर एक इंसान को करना पड़ता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ चीजों में आप जो है हील अगर आप कर लो खुद को, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग दिख रहा है। कुछ लोगों से अपना दिल का दरवाजा हमेशा बंद कर लो, चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो, हो सकता है किसी लिब्रा ने आपका बहुत दिल दुखाया है, या फिर आप खुद लिब्रा हो, ठीक है, और सन मून साइन हो सकता है। तो एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर आप शांत रहोगे, ठीक है, कुछ समय के लिए एंट्री बंद कर दो। मैं लव लाइफ की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, हाँ आप हर्ट हुए हो, आपके लाइफ में पर्सन आपको हर्ट किया है, वो एक बात है, लेकिन कोई भी जैसे घर के रिश्तों में या फिर काम में, बस आप बहुत ओवर फ्रेंडली हो या फिर आप नॉर्मल फ्रेंडली भी हो, लोग फायदा बहुत उठा के ले जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाते हैं, आपको कुछ समय के लिए क्लोज ऑफ कर देना ही अच्छा होगा। आप किसी से ज्यादा घुलो मिलो मत, शेयर मत करो ज्यादा चीजें, कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, अगर हो सकता है तो कुछ समय अकेले में बिताओ, ठीक है, कहीं सुकून की, जैसे आपका दिल जिस चीज के लिए बोल रहा है ना कि मुझे इसी चीज से सुकून मिलेगा, तो वो करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी कुछ समय के लिए आपका दिल का, हार्ट का सारा चक्रा जो है वो क्लोज कर देने का वक्त है, उसी से ही आपको शांति मिलेगी, ठीक है। जो भी आपका डिले हो रहा है, चीजें अटक रहा है, आप समझ जाओगे कि क्यों ये हो रहा है। ये आपका डेफिनेटली एक रेस्टिंग फेज मुझे चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बॉडी को माइंड को हील होने में टाइम लगता है। जो भी आपने अभी तक जीवन में देखा है या फिर आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी ट्रॉमा आपके अंदर है, आप डर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप चिंता में आ जाते हो कि इतनी सारी ट्रॉमास है, इन सबको मैं कैसे हैंडल करूं, इतनी सारी परेशानियां हैं मेरे साथ, इस
इंसान ने ये गलती की है, उस इंसान ने ये मेरे साथ गलत किया है, तो डिफरेंट ट्रॉमास हम सब हमारी लाइफ में जो है लेके चलते हैं, उससे हम हील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लाइफ में इवेंट्स होता रहता है, तो हम लोगों को वक्त नहीं मिलता है कि उस ट्रॉमा से हम हील हो जाए। तो आपको हील होना ही पड़ेगा। अगर आप उन्हीं घाव को लेके चलोगे तो एक दिन आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तो रुक जाओ, जो काम नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, रुक जाओ, या फिर कुछ काम को अटका लो और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, खुद को हील कर लो। एक चीज होती है, जब आप ना बोलना सीख जाओगे, जब आप एक बाउंड्री सेट कर लोगे कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता है, फिर नहीं सुन सकती, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता, हमेशा रिस्पॉन्ड आप ना बोल के या फिर चिल्ला के नहीं कर सकते हो, चुपचाप कहीं से निकल जाने से भी आपको एक बहुत मेंटल पीस मिलता है, झगड़ा भी नहीं होता है, और कहीं से चुपचाप आप निकल जाते हो अपना बोरिया बिस्तर लेके, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मेंटल पीस। जितना दिमाग से शांत, अपने दिमाग को शांत रखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं अगर गुस्सा करूं, किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं अगर गुस्से में उसको 5 बात बोलूं तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा करने से क्या होगा, वो चीजें सही नहीं होगा, लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप हाइपर हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी में काफी नेगेटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो आप जो अल्टीमेटली गुस्सा करोगे, सामने वाला तो रियलाइज नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपका माइंड, देखो ना, गुस्सा चिल्लाने के बाद कितना ज्यादा प्रेशर फील होता है, रोना आता है, तो क्यों खुद के साथ इतना, खुद के बॉडी के साथ इतना, माइंड के साथ इतना जालिम होना, ठीक है ना। तो कुछ चीजों में, कुछ लोगों से अपने आप को अगर क्लोज ऑफ कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस वक्त के लिए। नेक्स्ट जो चीज मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे जिन लोगों का एक विदेश जाने का सपना है, जो लोग बाहर जाके काम करना चाहते हो, जो लोग नेवी में काम करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग होटल मैनेजमेंट का जॉब करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग साइंटिस्ट, साइंस के फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, दूर जाके, घर के पास नहीं, दूर जाके जो किया जा सकता है, थोड़े डिस्टेंस में जाके जो किया जा सकता है, अगर आप वो काम को करने की कोशिश काफी अरसे से कर रही हो, तो मुझे आप चीज लॉन्ग डिस्टेंस में करने की कोशिश करो। मुझे चीजें कंप्लीट होता हुआ आपका दिख रहा है, ठीक है। एक मुझे एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट दिख रहा है, ऐसा आप कुछ ना कुछ जीवन में करोगे जो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आप जैसे बोलते हैं ना कुछ तो मैंने जरूर उखाड़ा है, ठीक है, तो आप वो करोगे, आपको वो चीज मिलेगा। आप देखोगे कि दिसंबर के एंड तक, ये साल का एंड तक आप फील करोगे कि मैं जो पिछले साल जो मैं था, या फिर साल की शुरुआत में मैं जो था या फिर थी, और अब जो मैं हूँ, बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्सन, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ मैंने कर लिया, मैंने एक जर्नी तय कर ली। साल की शुरुआत में शायद मैं कुछ नहीं थी, और या फिर बहुत कम मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन साल के एंड होते होते बहुत सारा जर्नी मैंने तय कर लिया। तो आपकी लाइफ में एक, आप खुद ही फील करोगे, कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इतना लंबा सफर तय कर चुके हो, खुद ही इतना सब कुछ कर चुके हो कि आप खुद ही खुद को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। और वीडियो सेव करके रख लेना, आप यहीं पे ही आके मुझे दिसंबर के एंड में बोलोगे कि दी, हमने सच में बहुत कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, और हम, आप खुद फील करोगे कि आप आगे से कितना डिफरेंट बन चुके हो, ठीक है। और देखते हैं और क्या अचीवमेंट, और क्या अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में हो सकता है, मैं टाइम भी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। मैसेज ऑफ कंसर्न, अगर आप कोई भी चीज के लिए किसी पर्सन का मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर आप किसी के बारे में बहुत चिंता करते हो, किसी के बारे में बहुत चिंतित हो, तो उस इंसान का एक मैसेज आपके लिए आ सकता है, किसी भी रिश्ते में। अब मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली हो गया, काम हो गया, कहीं पे आप बहुत चिंता हो कि मुझे ये मेल अभी तक क्यों नहीं आया, या फिर मुझे ये मैसेज इसका क्यों नहीं आया, मुझे इस बात को लेके इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैसेज कंसर्न आप हो किसी चीज को लेके, तो उस चीज का लेके मैसेज आपको एग्जैक्टली 14 to 15 days के अंदर आ सकता है, एग्जैक्टली 14-15 दिन के अंदर आपको मिल सकता है। देखो, आपकी लाइफ में ना मुझे कमी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप परेशान हो किसी
किसी चीज का रिस्पॉन्ड का इंतजार जरूर कर रही हूँ, लेकिन आप कोई दुख में या फिर कमी में नहीं होंगे। खाना पीना अच्छे से रहना, वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छे से रहते हो, आपकी किस्मत में चीजें अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें जो लाइफ में जीने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको जैसा मिल रहा है वैसा मिलता रहेगा, उससे कोई कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में। व्हाट इज मोर अनएक्सपेक्टेड चीज क्या मुझे दिख रही है? अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, हाउस नई हाउस रेंट पे लेना चाहते हो, तो आप विद इन 20 to 25 days में आपको उससे रिलेटेड कुछ न्यूज मिलेगा। कहीं पे कुछ जगह जमी खरीदना चाहते हो, जमीन खरीदना चाहते हो, वो मुझे दिख रहा है कि विद इन 20 days आपको 20 days के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज सुनने के लिए मिल सकता है। घर प्रॉपर्टी वगैरह कहीं पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और चीज मुझे दिख रही है कि कहीं एक अच्छी जगह से आपको कॉल आएगा, आपको जाना पड़ सकता है, इनविटेशन आएगा। जैसे कि आपने कोई चीज के लिए मेहनत किया है और आपने जो मेहनत किया है आपको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ट्रॉफी कोई प्राइज वगैरह देने के लिए आपको कहीं से बुलाया जा सकता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स निकले हैं या फिर बहुत सारे जो है करते हैं, बहुत फील्ड आर्ट फील्ड हो गया, साइंस के फील्ड हो गया, कहीं सम्मान देने के लिए रॉयल हाउसेस में प्रेसिडेंट हाउस सीएम हाउस इस तरीके से आपको मिलने के लिए अथॉरिटेटिव पोजीशन जिन लोगों की है, जो लोग अथॉरिटी में है वहां पे आपको एक वेल लंच या फिर वेल डिनर के लिए बुलाया जा सकता है। या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे आपके जो बॉस है या फिर कोई सीनियर है उनके घर से भी बुलावा आ सकता है। समथिंग लाइक एक ऐसी प्लेस जहाँ पे यूजुअली लोगों को जाने नहीं मिलता है, आपको वहां पे जाना मिल सकता है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में वेट कर रहे हो शादी का, मुझे दिख रहा है कि एग्जैक्टली विद इन 3 days to 3 week 3 दिन से लेके 3 हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं आपकी शादी फिक्स हो सकती है। या फिर लव मैरिज करना चाहते हो, अरेंज मैरिज वट एवर इट इज, शादी नहीं हो पा रही थी तो आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और आपको अगर एक पर्सन लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो भी आपको एक अच्छा पर्सन मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपको। आपको लाइफ में लाइफ पार्टनर मिलेगा। नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी द मेन मेल, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजों में पता चले कि हु इज दैट पर्सन। ये सिर्फ मेन मेल या फिर मेन फीमेल नहीं, एक ऐसा इंसान के बारे में आपको पता चलेगा जिसको आप लेके कुछ प्लान कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, समथिंग आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई एक ऐसी इंसान आपका मदद कर सकता है। कहीं पे आप मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए दिख रहे हो, घर के बड़े बेटे या फिर घर की बड़ी बेटी, रिस्पॉन्सिबल किड रिस्पॉन्सिबल बच्चा, ये मुझे बनते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। मेन कैरेक्टर आप कहीं प्ले करोगे, कहीं पे तो आपको जो है सडनली एक ओधा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी इज द सडन वेल्थ। अगर अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो एक बार प्लीज 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 लाइक जरूर करो। सडन वेल्थ उन लोगों को गेन होगा जिन लोगों को एंजल नंबर सभी दिख रहे हैं, लाइक 111 111 777, ठीक है, और 555 या फिर 333। मिरर नंबर नहीं, मिरर नंबर मतलब 12 21 17 71 इस तरीके से, या फिर 10 and 01, ये मिरर नंबर्स नहीं। जिनको लाइक 10 10 दिख रहा है या फिर 11 11 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 555 333 444 and 999, ओके, ये जो नंबर्स मैंने बोला अगर आपको ये दिख रहा है तो आप देखोगे विद इन नवंबर आपको सडन वेल्थ मिलेगा। फाइनेंशियली आप जहाँ पे वीक हो गए थे, फाइनेंशियली आपको पैसे की कमी हो गई थी, पैसों की तंगी हो गई थी, या फिर एक होती है ना कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लक साथ नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली ये सब सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं आपको सडनली गेन मिलता हुआ दिख रहा है। सडन कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग
इज प्लान्ड और एवरीथिंग लाइक आपकी मेहनत का ही फल मिलता है, आज नहीं तो कल मेहनत का ही फल मिलता है, लेकिन जब मिलता है अनएक्सपेक्टेडली मिलता है, इसीलिए हम सडन बोलते हैं उसको। तो विद इन नवम्बर मुझे सडनली कुछ गेन होता हुआ, सडनली आपको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। व्हाट आर द फाइनल कार्ड्स फॉर यू? सजेशन या फिर फाइनल कार्ड आपके लिए क्या है? लेट्स सी। आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड। आपके लिए फाइनल ये मैसेज आ रहा है कि बी कॉन्फिडेंट, बी अट्रैक्टिव। आप बहुत ब्यूटीफुल हो या फिर हैंडसम हो, अपने अंदर की जो पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंस है, इसको कम करने मत दीजिए। आप जैसे हो बेहतर हो, अच्छे हो, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप अच्छा डिजर्व करते हो, इसीलिए आज तक जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए नहीं मिला। चाहे वो कुछ भी हो, वर्क, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली, जो आपको नहीं मिला वो चीज आपके लायक नहीं था, आपको उससे कई गुना बेहतर की तलाश है और आपको मिलेगा भी। ठीक है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर रीडिंग अभी तक आपको पसंद आई। तो मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।